नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेनदेन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सोयाबीन क्रूड ऑयल और सूरजमुखी क्रूड ऑयल दोनों पे कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है और साथ में एग्रीकल्चर सेस वो भी कम किया है। तो इन चीज़ों का खाद्य तेलों और सोयाबीन यानी तिलनों पे क्या असर पड़ेगा, ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो मुकेश जी, सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इससे खास तौर से तिलहनी फसलों पर क्या असर पड़ेगा? सरकार पूरी तरह से तिलहन को बर्बाद करने में लगी हुई है। मैंने मेरी 52 साल की एज में इतने नोटिफिकेशन किसी पार्टिकुलर एक आइटम पे नहीं देखे, खास करके तिलहन पे। हर दिन कुछ ना कुछ कभी इंपोर्ट ड्यूटी कटा दी, कभी कस्टम ड्यूटी कटा दी। पर ये नहीं समझते हैं कि ये लोग इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं, तो सामने वहाँ के जो सरकार हैं जहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं ये लोग, विदेशी बाजार जो है, वो लोग जो है निर्यात टैक्स लगा करके उस बात उस पड़ते को वहीं ले आते हैं। हालांकि सोया तेल का हो तो लगातार ऊंचा चल रहा है, सूरजमुखी ऑयल के बारे में जानकारी नहीं क्या भाव चल रहा है, लेकिन सोया तेल जो है इंटरनेशनल मार्केट बहुत तेज है, कम से कम 20 रुपये का फ़र्क है। यदि सरकार ने ये ड्यूटी घटाई भी है तो उससे 5-6 रुपये का फ़र्क पड़ेगा बाज़ार पे, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें भी। लेकिन एक शर्त जोड़ी है, अभी मैं ये जो व्हाट्सअप देख रहा था उसके अंदर TRQ रूट से करने की मंजूरी दी है। TRQ रूट से मतलब जो रिफाइनरीज हैं, बिना रिफाइनरी वाला तेल आयात नहीं कर सकता। जो रिफाइनरीज जो हैं वो DGFT में जिसका रजिस्ट्रेशन है वही आयात कर पाएगी। तो वो जो पुरानी स्थितियां थी इंस्पेक्टर राज वाली, मोनोपोली वाली, वो स्थितियां वापस नहीं आ जाएगी क्या? बिल्कुल। कि DGFC से मंजूरी लोगे तो वो रिफाइनरी वाला ही मंजूरी ले सकता है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहती गवर्नमेंट, ये अभी तक समझ में नहीं आया। तिलहन बाजार को बुरी तरह से क्रश करके रख दिया। हालांकि ये जो फैसला कल गवर्नमेंट ने लिया है इससे लॉन्ग पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-5-8 दिन पेनिक मैं हमेशा से कहता आया हूँ गवर्नमेंट का, 10-15 दिन असर करेगा, इससे अलावा कुछ भी असर नहीं करेगा, क्योंकि बाजार चलेगा तो इंटरनेशनल मार्केट से। बिल्कुल सही बात है सरकार। और ऑलरेडी जब इंटरनेशनल मार्केट तेज है तो तुम आप लोग क्यों, मतलब क्या मशक्कत, मतलब खाली स्टेटमेंट दे रहे हो या कोई मशक्कत भी कर रहे हो? और 60% तेल तो इम्पोर्ट ही कर रहे हो आप तो, और वैसे भी 60% ऑयल इम्पोर्ट ही होता है, तो इसमें तो लोकल मार्केट पे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। कोई लोकल मार्केट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा तो 2-8-15 दिन के लिए, इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हिम्मत रखनी पड़ेगी, बाजार निश्चित रूप से तेज होंगे। सोयाबीन का हो या सरसों का हो, दोनों की जड़ में तेजी है और दोनों की जड़ में तेजी होने की वजह से ही मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आज नहीं, हाँ 5-15 जून के बीच का एक पीरियड जो शायद कह सकते हैं कि व्यापार के लिए क्रूशल पीरियड है, क्योंकि अमेरिका लगातार कोशिश क्रूड ऑयल को घटाने की कर रहा है और क्रूड ऑयल को घटाने के लिए उसने अपना एक्सपोर्ट जो रिजर्व था वो भी एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। 112-113 बैरल का भाव चल रहा है अभी क्रूड ऑयल का। यदि यह 92-93 रुपये बैरल पे आता है तो निश्चित रूप से भारतीय बाजारों पे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, कस्टम ड्यूटी करना, सेस हटाना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ 2-4-8-15 दिन, इससे ज़्यादा इसका असर कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहे। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, भारत का
जर्मन के साथ सरसों के एक बड़े सौदे की बात चल रही है, यदि वह सौदा अभी 2-5-8 दिन में हो गया तो निश्चित रूप से बाजार कहीं से कहीं तक मंदे नहीं जा रहे हैं। और जहां तक सरसों की बात है, ये तो बात कपन ने पहले तो सोयाबीन की करी थी, जो सरसों की बात है तो सरसों के 3 अनुमान मोपा के आए, 120 लाख टन, 108 लाख टन और 100 लाख टन, तो 85-90 लाख टन तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पैदा होता ही था। बिल्कुल होता है। अब इस लास्ट आंकड़ा दिया उन्होंने 100 लाख टन का, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि किसानों ने माल रोक लिया है और सरसों की बड़ी किल्लत बनी हुई है। ये आज नहीं तो 8 दिन बाद नज़र आई, 8 दिन बाद नहीं तो 15 दिन बाद ये किल्लत नज़र आनी है। इसलिए निश्चिंत रहे, सरसों और सोयाबीन दोनों के बाजार बुस्ट ही रहेंगे। जो हिम्मत रखेगा वो कमा के निकल जाएगा। तो बिजनेस में तो रिस्क उठाएगा भाई, फायदा ले। और बिल्कुल सही बात। अब मैंने पहले भी कहा कि अब बिजनेस ये हो गया कि हिम्मत के खेल रह गए। अब बिजनेस ये नहीं रहा कि साहब वो किराने की बढ़िया की दुकान है, आधा किलो 1 किलो पाव भर लिया है, खुश हो गए कि मैं इस भाव सस्ता लिया, इस भाव महंगा ले दे दिया। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे नहीं लगता है, इंटरनेशनल मार्केट जब तक तेज रहेगा तब तक सोया तेल या सरसों तेल तेज ही रहना है। गवर्नमेंट टेम्प्रेरी के लिए 5-10 रुपए कम कर भी देती है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, तो वापस वो बाज़ार अपने लेवल पे आएंगे आएंगे और आएंगे। बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थी सरकार की नीतियों पर, उससे तेल तिलन पर पड़ने वाले असर पर चर्चा। आप लोग ये ना समझे कि हम हवा में बात कर रहे हैं, हम जो वर्तमान परिस्थिति जो हालात होते हैं उसको मद्देनज़र रखते भी आपको ये पूर्वानुमान बताते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे पर भरोसा कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेंदी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।